लेट्स अंडरस्टैंड दिस दैट लाइफ इन टॉप गियर में पहले लेते हैं टॉप गियर. टॉप गियर क्या है? व्हाट्स अ टॉप गियर? कि गाड़ी जो है जो चलती है वो फर्स्ट में भी चलती है, सेकंड में भी चलती है, थर्ड में भी चलती है और टॉप गियर में भी चलती है. तो टॉप गियर में क्या होता है? सबसे ज्यादा स्मूथ टॉप गियर में होती है. और क्या होता है? एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है. इट कंज्यूम्स लेस, इट प्रोड्यूसेस मोर. और क्या होता है? देयर इज कंसिस्टेंसी. की स्पीड जो है ना एक एक लेवल पे चलती रहती है. ठीक है, ओके. तो वो उस सिचुएशन में जो बेस्ट दे सकती है गाड़ी हमें देती है. इट्स गिविंग द बेस्ट टू अस. वेयर एंड टेयर इज लेस. उसका कंज्यूम होना, उसका वेयर टेयर होना, इंजन का रगड़ना काफी कम होता है. ओके, तो आप अपनी गाड़ी चलाते हो और बीच में एक जानवर आ जाता है, फिर आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी को वापस फर्स्ट गियर पे लाते हो. डू यू बिलीव, मेरा सवाल ध्यान से सुनो, डू यू बिलीव द व्हीकल विल गो बैक ऑन टॉप गियर? पक्का? डू यू डाउट? डू यू क्रिप? ऐसे कैसे यार, कितनी बार गियर लगाना पड़ेगा? डू यू क्रिप अबाउट इट? यू आर ओके विद इट. तुम देखते हो उस जानवर को, गाय भैंस जो आती, अरे क्या, देन अगेन यू आर बैक, अगेन यू आर नॉर्मल. In the same way, why are you not normal for your life? Your life will always put you back. What do you do? Believe that top gear is still. You don't look at Alok and say, sir, make the life easy. मेरे साथ हमेशा ऐसे होते हैं सर. अरे कितनी बार गाड़ी चलाई सड़कों में, कितनी बार कागज से गाय वैसे टुकर आ गए. नहीं सर, हमेशा आते. तेरे सके संबंध नहीं होंगे, इतना कैसे आ सकते? तो अपने आप को बहकाना, अपने आप को समझाने का उन्होंने गलत तरीका निकाला कि मेरे साथ तो ऐसा ही, जबकि फैक्ट इज इट हैपेंस विद एवरीबॉडी. बट देयर आर सम पीपल जिनके साथ ऐसा होता है, वो फटाफट गियर लगा के आगे निकल जाते हैं. एंड देयर आर सम पीपल वो गियर से आगे बढ़ते नहीं, फर्स्ट से आगे. एंड दैट्स हाउ दे बिकम बिग टाइम कंसर्न्स. अ लाइफ इन टॉप गियर इज ऑल अबाउट हैविंग अ लाइफ व्हिच इज मच मोर एट पीस. Right? Now, the happiness quotient should be higher. We are maximizing our potential and we feel it's a life of fulfillment. You feel fulfilled. For example, आप किसी situation में हो और आपने उस situation में जो आपको देना था आपने दिया. जितनी मेहनत आप कर सकते थे आपने मेहनत करी. जितना आप उसमें हंस सकते थे आप हंसे. जितना आप उसमें अपने आप को निचोड़ सकते थे आपने निचोड़ा अपने आप को. जितना आप उसके अंदर अपने आप को समर्पित कर सकते थे आपने किया. वो सब करने के बाद आप उस रूम से बाहर निकलते हो कि यार, I did everything which I could do. How would you feel? Great or not? Chahe result kaise bhi hone do, but you know you gave your best. And when you have given your best, you always walk out like a winner.